ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਾਂ ਬਾਈ ਆਜ ਜੀਂਦ ਮੈਂ ਆ ਜੀਂਦ ਮੈਂ ਜੋ ਇਨੈਲੋ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਨੈਨਾ ਚੋਟਾਲਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੈ ਇਸਸੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਗਾ नमस्कार मैम राम राम मैम जैसे एक तरफ तो आज जेजेपी पार्टी जो ताऊ देवीलाल उसकी जयंती मना रही है और एक तरफ है इनेलो अपनी पार्टी जो जन्मदिवस मना रही है तो क्या लगता है क्योंकि किसान मजदूरों के वोटर जेजेपी पार्टी लिए थे और आज क्या वो खड़े उतर पाए हैं जो ताऊ देवीलाल की जयंती मना रहे हैं उस पर अपना हक जमा रहे हैं ड्रामा करते हैं ड्रामा करना उनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी में जो गए वो ड्रामेबाज है और मैं तो यही कहूंगी अगर सच्ची अगर उनको श्रद्धांजलि सच्ची मन से आत्मा से जुड़े होते तो आज इस्तीफा देके किसानों के बीच में होते मजदूर किसानों के एक मिनट मजदूर किसानों ने जो वोट दिए हैं ताऊ देवीलाल के नाम पे दिए हैं तो उनके साथ धोखा किया बीजेपी के खिलाफ वोट दिए तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसे चौटाला मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हरियाणा प्रदेश का किसान है ये अपने साथ छलावा बर्दाश्त नहीं करता प्यार से तो कोई उनसे गर्दन ले लो लेकिन धोखे से जो लिया हुआ ये सूद समेत वापिस ले लेते हैं आज जेजेपी का ग्राउंड खिसक चुका है और आज की रैली से क्या कुछ परिवर्तन होगा आज जींद ने हमेशा इतिहास लिखा है जींद से एक नया इतिहास लिखा जाएगा और हरियाणा प्रदेश में नए आयाम साबित होंगे और मैम क्या कुछ कहना चाहोगी आज की रैली के बारे में आज की रैली रैली नहीं रैला है रैला है रैला है और ताऊ देवीलाल का मेला है और पेसिंग राठी का पूरा ठेला है कितनी संख्या आने की संभावना है अनगिनत संख्या है अनगिनत यानी पूरी जीन जाम बना दोगे आज दो बिल्कुल रैली नहीं रैली नहीं रैला है अरना पे सिंह का चेली नहीं चेला है ठीक है नीलम ढिल्लो ब्रह्म बहादुरगढ़ ठीक देखो भाई अपने विचार सुने जो सुने ना चौटाला जी थे उनके विचार सुने हैं रैली देख लग रहे भाई संख्या आप न दिखाना चाहेंगे एक बार घुमाएगा दिखा सारी संख्या दिखा तो भाई कई पंडाल हैं अभी तक खाली भी हैं और संख्या आने लग रही है तो फिलहाल भाई इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान